हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि आज मैं योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगी, जैसा कि यह पार्ट वन होगा। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का प्रिपरेशन, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो, चाहे वह TGT, PGT, KVS, NVS, CLT, राजस्थान PTI, DSSB, कोई भी एग्जाम हो, सब में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पर जो प्रैक्टिस करा रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, उसका प्रैक्टिस जरूर करिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो संस्कृत भाषा से। ठीक है, किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग संस्कृत की किस धातु से बना है? तो योग संस्कृत की युज धातु से बना है। किससे? युज धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है? युज मतलब योग जो है युज धातु से बना है। योग मतलब होता है जोड़ना, गठबंधन करना, अपना ध्यान केंद्रित करना, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? ठीक है, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? तो योग मोक्ष प्राप्त करने का एक रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवद गीता में किस योग पर बल दिया गया है? जैसा कि योग कर्मसु कौशलम, यानी जैसा कि भगवद गीता में मेन रूप से कर्म पर ध्यान दिया गया है, जैसा कि कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। तो भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो उसमें कर्म योग पर बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो योग का प्रमुख उद्देश्य है मन पर नियंत्रण करना। क्या है? मन पर नियंत्रण करना। ठीक है, एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं? जैसा कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए 8 चरण बताए हैं, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, योग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? तो दोस्तों, परहेज या बचाव से संबंधित योग है यम। ठीक है, यम में क्या होता है? यह सामाजिक अनुशासन है, इसमें इसके अंतर्गत यम का अर्थ होता है परहेज या बचाव। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 चीजें आती हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है, यम यानी सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित है? जैसा कि यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन है यम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है? तो अपने प्रति यानी कि स्वयं के प्रति, तो इसमें है आपका स्वच्छता। ठीक, मन को पवित्र, ठीक है, मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है? तो मन को पवित्र करने के लिए दोस्तों, श्वासों पर नियंत्रण यानी कि प्राणायाम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है? तो शरीर को स्थायित्व और मन को एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में, पोस्चर में रखने को आसन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है? तो दोस्तों, प्रत्याहार जो है या इंद्रियों को बस में रखने संबंधी चरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है?
दोस्तों ध्यान की पराकाष्ठा समाधि में होती है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है, ठीक है, एकदम विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है? तो कर्म करने से संबंधित योग है कर्म योग। जैसा कि दोस्तों योग के कई प्रकार है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग एंड भक्ति योग, ठीक है। तो कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है? कर्म योग। नेक्स्ट है, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग कौन है? तो दोस्तों शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है हठ योग। क्या है? हठ योग। नेक्स्ट है, मन की जागरण तथा केंद्रों को जगाने से संबंधित योग है। तो मन की जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जगाने का योग है आपका राजयोग। क्या है? राजयोग। नेक्स्ट है, मन को स्वच्छ रखने का योग कौन सा है? तो मन को स्वच्छ रखने का योग है आपका मंत्र योग। मन को स्वच्छ रखने का योग यानी स्वतंत्र रखने का योग है मंत्र योग। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है? तो व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग है आपका लय योग, ठीक है। नेक्स्ट है, सघन भक्ति करने का योग कौन सा है? तो सघन भक्ति करने का योग है आपका भक्ति योग, ठीक है। इस प्रकार योग के कई प्रकार, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग के बारे में आप जाने, एंड योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राणायाम क्या है, एंड आठों चरण क्या है, इसके बारे में, इस एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में आपने जाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे या पहले से आप जानते होंगे या आपका रिविजन हुआ होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और बने रहिए मेरे चैनल पर डेली बेसिस पे अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।